डिपार्टमेंट रहता था जिसमें स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, बालों से हो, नाखूनों से हो, तो पहले चल रहा था, लेकिन अभी हमने उसकी सुविधाओं में विस्तार के साथ में आज एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें किसी बालों का झड़ना हो या टूटना हो या त्वचा पे कोई भी बीमारी हो, जैसे दाग धब्बे, खाज, खुजली, साथ के साथ में हम इसमें कॉस्मेटिक का और काम कर रहे हैं। किसी के परमानेंट कोई स्कार हो उसको हटाना, चेहरे पे झनिया होना, कोई टैटू हटाना, ये सारी चीजों का भी हम यहाँ पे सब तरीके से इलाज करेंगे आधुनिक मशीनों के द्वारा। लेकिन मेनली इस कैंप का मकसद ये था कि हम लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं कि भाई अब आपको दिल्ली या जयपुर या कोई बड़े सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी सुविधाएं हम एक ही छत के नीचे यहीं सुषमा देवी हॉस्पिटल में अवेलेबल करवा रहे हैं पब्लिक के लिए। जल्दी हम 15 से 20 दिन के अंदर, इसी माह के अंदर, हम यहाँ पे एक आंखों का डिपार्टमेंट और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें किसी को भी आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, आंखों से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, वो सारी सुविधा भी यहीं पे रहेंगी। के पेशेंट है जो होटल से बिलोंग करता है, तो उसका एक साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको कोहनी के नीचे वाली जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे ऑपरेशन कर दिया गया था, उसमें एक इम्प्लांट डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, वो काफी ज्यादा परेशान था, तो वो यहाँ पे आया है, हमने उसका रीऑपरेट किया है और इम्प्लांट वगैरह रिमूव करके अभी उसकी काफी पहले से बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई है हाथ की और अच्छी तरीके से उसका सुधार हुआ है, अभी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको। ये कैंप आज शाम 4 बजे तक चलेगा और इसके बाद भी जो इससे रिलेटेड कभी भी आप डेली इनकी ओपीडी रहेगी, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इनकी ओपीडी रहती है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है जी, हम आए पलवल होटल से, तो हमारे भाई का ऑपरेशन होना था कोहनी का, कई हॉस्पिटल दिखाए हमने, पे गुड़गांव दिखाई, फरीदाबाद दिखाई, तो सब ने मना कर दी थी, एक ऑपरेशन करवाया ना गुड़गांव, पर वहाँ पर ठीक ऑपरेशन नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे सुषमा हॉस्पिटल जितने डॉक्टर के बारे में बताया, तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमारे 2 दिन पहले ऑपरेशन हमारे भाई का हुआ, तो बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, वो ठीक है, डॉक्टर साहब ने अच्छा ऑपरेशन किया है, एक कोहनी का यहाँ से जॉइंट, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था पर अच्छा ऑपरेशन हो गया, हम भाई महसूस अच्छा कर रहे हैं फिलहाल, तो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा हमको, बजट में बहुत अच्छा है ये भी, वैसे भी ठीक है, जो वहाँ पे जो थोड़ी घनी वो हो रही थी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, जो भी संतुष्ट हैं बिल्कुल, डॉक्टर जितने जितने पूरी मेहनत की है, जो भी है ठीक ऑपरेशन हुआ, हमारा भाई को भी आराम है फिलहाल। सर मेरा नाम जगत सिंह, मैं पलवल का रहने वाला हूँ, तो करीबन 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने ऑपरेशन कराया था उसके लिए, पर मेरा हाथ जाम हो गया था, मूवमेंट आनी बंद हो गई थी, तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर किसी ने कोई ठीक से जवाब, मतलब कुछ संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया, तो फिर किसी परिचित ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया सुषमा देवी हॉस्पिटल का, तो उसमें मुझे बताया कि वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेश रामबा, तो फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने अपना ऑपरेशन कराया, तो मेरी काफ़ी मूवमेंट आ गई हैं और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस ऑपरेशन से। देखिए वो भी जहाँ पे मैं गया था वो भी ऑर्थो के ही डॉक्टर थे, पर जैसे मैं उन्हें दिखाने जाता तो कोई कहता कि भैया तो जाम हो गया है, अब इसकी मूवमेंट जितनी है उतनी ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, या फिर आप फिजियोथेरेपी कराओ, मैंने फिजियोथेरेपी बहुत कराई पर कोई उससे इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं बिल्कुल, मेरा मूवमेंट साथ के साथ मूवमेंट आ गई ऑपरेशन होने के बाद ही।